दोस्तों स्वागत है मेरे नए चैनल में मोटोटेक न्यूज़। मोटोटेक न्यूज़ में मैं आप लोग को आज एक बहुत ही काम का चीज़ बताने जा रहा हूँ, बाइक रिलेटेड। CBZ एक्सट्रीम में आपको किट किट खिट किट 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 का आवाज़ आता होगा, उसी को लेके मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही काम का है। देखिए, बहुत सारे यूट्यूबर्स आप लोग को बताए होंगे कि टाइमर चेन, देखिएगा बाइक में, ये मेरा फोटो देखिए, ये CBZ एक्सट्रीम का टाइमर चेन का नॉब है, इसको टाइट कर देने से किट 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 का आवाज़ बंद हो जाता है। बहुत सारे यूट्यूबर बोले होंगे आपको, और बहुत सारे यूट्यूबर ये भी बोले हैं कि टाइमर चेन खोल के टाइट करने से भी आपका किट किट वाला आवाज़ कम हो सकता है, लेकिन असल में वैसी बात नहीं है दोस्तों। मैं आपको आज दिखाता हूँ कि किस कारण से किट किट खिट किट 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 खिट किट का आवाज़ आता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये किट 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 का आवाज़ कैसे बंद किया जा सकता है। चलिए, देखिए इंजन और टैंकी और चेसिस खोलने के बाद यहाँ पे कार्बोरेटर, उसको खोलना पड़ता है। आप पहले इसको मैकेनिक पहले खोल देगा, और इस कार्बोरेटर खोलने के बाद आपका इंजन में 4 नट रहता है, उसको खोलना पड़ता है। तो धीरे धीरे खोल रहे हैं ये। अब ये कार्बोरेटर खोलने के बाद इसमें जितने भी पाइप उसके साथ अटैच रहता है इंजन के साथ, वो सबको खोलना पड़ता है, जिससे कि आराम से इंजन को खोला जा सके। वो अपना पाइप खोल ले रहा है। पाइप खोलने के साथ ही वो अपना सब जितने भी नट है इंजन में, 4 नट खोलना पड़ता है। तो ज़्यादा लेंदी नहीं बनाते हैं वीडियो को, उसको खोल लेने दीजिए। इस साइड एक नट है, उस साइड भी एक नट है, ये सब खोल लेने दीजिए। हम उसके बाद इंजन की तरफ देखते हैं बढ़िया से। अब ये खुल गया नट। नट खोलने के बाद देखिए, तो पहले तो मैं बोला था टाइमर चेन आप काइंडली देख लीजिए। टाइमर चेन देखने के लिए वो टाइमर चेन में जितने भी नट है उसको वो टाइट करने का कोशिश करेगा पहले, तो वो तसल्ली कर ले पहले। तो इसीलिए उनको मैं बोला कि आप टाइमर चेन देख लीजिए। टाइमर चेन वो टाइट कर रहे हैं, नॉब जितने भी है। तो टाइमर चेन देखने के लिए हम लोग उस साइड एंगल करते हैं कैमरा का। चलिए, ये ना दोस्तों, टाइमर चेन का डिस्क यहाँ पे टाइट करने के बाद उनको लगा कि ये सब ठीक है। तो वो अब एग्जॉस्ट और एग्जॉस्ट के पास जो नट रहता है, नॉब रहता है, उन दोनों को वो टाइट करेगा। देखिए, मैं एक फोटो में आपको दिखाता हूँ। अब ये एग्जॉस्ट नट को वो टाइट करेगा, तो मैं एक फोटो दिखा देता हूँ। इस बीच आपको ये देखिए, ये एग्जॉस्ट वाल्व एडजस्टर लॉक नट है और ये इंटेक वाल्व एडजस्टर लॉक नट है। इन दोनों को टाइट करने पर ही आपका ये खिट खिट का आवाज़ एकदम बंद हो जाएगा दोस्तों। तो इसी को टाइट हम लोग को करना है। देखिए, ये टाइट कर रहा है, इस साइड का एक नट को टाइट कर रहा है। इसको टाइट करने के बाद उस साइड भी एक नट है जो आप देख रहे हैं, दोनों को वो टाइट कर देगा बढ़िया से। तो ये दोनों जो क्लंप है वो ऊपर नीचे होता है, उससे खिटखिट का आवाज़ आता है। वो यदि ये टाइट हो जाता है तो ये खिटखिट का आवाज़ एकदम ही बंद हो जाएगा दोस्तों। तो बस यही करना है। ये देखिए, ढीला जो है उसको टाइट करेगा, बस आपका काम ख़त्म। टाइमर चेन हमेशा ख़राब नहीं होता, और ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका 100 रुपये में हो जाएगा, क्यों बिना कारण से आप 600, 700, 800 रुपये खर्चा करेंगे। 100 रुपये का काम है दोस्तों, ये ईजी है, हैंडी है। सिर्फ आप खुद से मत कीजिए, मैकेनिक के पास ले जाके करवाइए, ये दोनों आपका एग्जॉस्ट नट टाइट कर देगा वो। दोस्तों आशा करता हूँ आपको पता चल गया होगा ये किट किट खिट किट का आवाज़ क्यों होता है। ये जो आप पिस्टन के ऊपर का जो क्लम्प देख रहे हैं, ये जो इमेज देख रहे हैं, ये अप डाउन होता रहता है, और ये लूज होने पर ये किट किट का आवाज़ आता है। तो मैं आप सभी से बोलता हूँ कि घर में ट्राई मत कीजिए ये सब, मैकेनिक के पास जाइए, मैकेनिक आपको बढ़िया से कर देगा ये किट किट खिट किट का आवाज़ बंद। तो इसी प्रकार से आप मतलब घर में ये सब कोशिश मत कीजिए। बहुत सारे यूट्यूबर बोलते हैं घर में ये हो जाएगा, लेकिन नहीं होता है दोस्तों। तो इसी के साथ ही मैं आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको बहुत ही पसंद आएगा। सब्सक्राइब करना ना भूले, शेयर कीजिए और लाइक भी देते रहिए दोस्तों। और साथ ही साथ एक्सरे चैनल को भी आप देखते रहिए, क्योंकि मैं आपके लिए हर दिन ऐसा ही कुछ वीडियो लाता रहता हूँ दोस्तों। धन्यवाद।